रहे हैं तो हम लोग भी परमिशन लेकर चल रहे हैं। अगर सरकार नहीं चलने देगी तो स्वाभाविक तौर पर हम उसका उसके विरोध में है। तो अगर हम अब हमको कोई यहाँ रोकेगा तो हम विरोध कर रहे हैं, तो राहुल जी को भी कोई रोक रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए, गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूँ स्वाति आपके साथ। 29 जनवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में प्रवेश की थी और इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कई अन्य नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि यात्रा को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया गया। खबर को विस्तार से जानेंगे उससे पहले, जब इसको लेकर जन सुराज यात्रा के सूत्रधार एवं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा, आप इस रिपोर्ट में सुनिए। भाई, देश में लोकतंत्र है और मेरी समझ से सारे लोकतांत्रिक प्रयास, लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अंदर जिस किसी का भी जिस किसी तरह का प्रयास कोई राजनीतिक सामाजिक संगठन अगर कर रहा है, व्यक्ति कर रहा है, तो उसको करने की आजादी होनी चाहिए। हम पैदल चल रहे हैं तो हम लोग भी परमिशन लेकर चल रहे हैं। अगर सरकार नहीं चलने देगी तो स्वाभाविक तौर पर हम उसका उसके विरोध में है। तो अगर हम अब हमको कोई यहाँ रोकेगा तो हम विरोध कर रहे हैं, तो राहुल जी को भी कोई रोक रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए, गलत है। भाई, आप कोई मारपीट कर नहीं रहे, हम किसी का नुकसान कर नहीं रहे और संविधान ये इजाजत देता है हर व्यक्ति को, हर समूह को कि वो जाकर अपनी बात समाज में रखे शांतिपूर्ण तरीके से, जो कानून है कानून की प्रक्रियाओं को फॉलो करते हुए। हम यहाँ आए हैं, कैंप लगाए हैं तो इसका परमिशन लिया होगा, रास्ते में चलेंगे उसका परमिशन लिए है। अगर बिना परमिशन के चलेंगे तब ना हम पर कोई FIR कीजिएगा। लेकिन सरकार अगर परमिशन भी न दे और FIR भी कर दे, न करने दे, तो लोकतंत्र की जो मूल भावना है उसके विपरीत है, इसके लिए उसका विरोध होना चाहिए। साथ ही बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार से होकर गुजर गई। बीते दिनों राहुल गांधी व इनकी पार्टी के कुछ नेताओं पर केस दर्ज किया गया था, ऐसा कर कहीं ना कहीं यात्रा को प्रभावित करने का आरोप भी लगाया गया। इस पर पत्रकारों ने जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से जब सवाल किया, मामले में प्रशांत किशोर ने कहा कि देश में लोकतंत्र है, मेरी समझ से सारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अंदर यदि कोई प्रयास कर रहा है, राजनीतिक सामाजिक संगठन या व्यक्ति प्रयास कर रहा है, तो उसको करने की आजादी होनी चाहिए। हम बीते 17 महीनों से बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर परमिशन लेकर चल रहे हैं। यदि सरकार हमें यहाँ पदयात्रा नहीं करने देगी तो निश्चित तौर पर हम उसका विरोध भी करेंगे। अगर हमको यहाँ कोई रोकेगा तो विरोध करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी कोई रोकेगा तो विरोध होना चाहिए, गलत है। हम मारपीट नहीं कर रहे हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। वही हमारा संविधान हर व्यक्ति हर समूह को ये इजाजत देता है कि वो अपनी बातों को समाज में रखे शांतिपूर्ण तरीके से कानून के नियमों का पालन करते हुए। हमने यहाँ कैंप लगाया है, उसका परमिशन लिया है, रास्ते में पैदल चलेंगे तो उसका परमिशन भी लिया हुआ है। हम बिना परमिशन के चलेंगे तब ना आप FIR कीजिएगा। लेकिन सरकार अगर परमिशन भी ना दे और FIR भी कर दे तो ये लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत है और इसका विरोध होना चाहिए। तो आपने सुना चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को, जिन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कहा कि यदि राहुल गांधी के न्याय यात्रा को कोई रोकेगा तो इसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो इजाजत देता है कि आप अपनी बातों को समाज में शांतिपूर्ण तरीके से रख सकते हैं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।